कि बहुत जरूरी है वो बात कहनी जो मैं तुमसे कहने आया हूँ। इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि मैं नशे में हूँ। इस तरह नहीं कहना चाहिए, गलत है, लेकिन इंसान अक्सर शराब पीकर गलत बात करता है। देखो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो गलत नहीं है। हो सकता है मेरे कहने के बाद वो गलत हो जाए। इससे पहले भी मैंने एक बार कहा था, सब गलत हो गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ। सॉरी, कमाल है कहने से पहले मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो प्रीति, प्लीज। सब पता है मुझे प्रीति। एक बार पहले भी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉलेज में भी कहा था, लेकिन तुम बहुत खफा हो गई, इसलिए मैंने बात पलट दी। मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है, लेकिन वो सब झूठ था। मैंने सिर्फ तुम्हें ही को चाहा, तुम्हें से प्यार किया है प्रीति। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रीति। तुम बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठो। पानी क्या क्या देते हैं नशा तोड़ने के लिए, क्या दूं तुम्हें? नशा टूटे तुम्हारा? बिल्कुल जलता रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें आके वो सारी बातें बताई कि गोविंद ने तुम्हें नौकरी दिलाई और उसमें तेजस्व दफ्तर ट्रांसफर नहीं करवाई। वो सब सच था, एक एक बात जो मैंने तुम्हें आके बताई सब सच था। लेकिन ये सब बातें मैंने तुम्हें एक दोस्त के नाते बताई थी। दरअसल मेरी लालच थी, मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा गोविंद के साथ अफेयर टूट जाएगा तो मैं शायद मैं सच बोल रहा हूँ। बोल रहे हो सर, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त। हम जिंदगी भर सिर्फ दोस्त बने रह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो उसी में जी लेता, मैं तो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती। अरे मैं तो चैन से बैठ गया था जब तुम्हारा और गोविंद का फ्लैट टूट गया था। नहीं नहीं, बात कमीनी की नहीं है, लेकिन मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कमीनी हरकत की है, लेकिन बात ने एक नया मोड ले लिया। क्या बोल रहे हो तुम, क्या मोड ले लिया? मैंने सुना कि तुम और तेजस को शादी कर रहे हो, इज इट ट्रू? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शायद कुछ गलत कह दिया। तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम अभी यहाँ से जाओ और जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे लगा तुम प्लीज कम ऑन। रोहन उठ यार, सूरज सर पे आ गया, तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ उठो, ये लो चाय पियो। क्या टाइम हो गया यार? 11 तो बज चुके हैं और तुम यूं ही सोते रहे तो 12 भी बज जाएंगे। वो तो बज चुके हैं, कल रात को ही बज गए थे। क्यों, क्या हुआ कल रात को? बहुत कुछ हुआ यार, बहुत बिजली कड़की, बहुत तूफान आए। यार पोएट्री में नहीं, सीधी सादी हिंदी में बताओ क्या हुआ। कल रात को यहां से बहुत शराब पीकर जो मैं निकला तो सीधा प्रीति के घर पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, गोविंद और उसका अफेयर टूटा तो मैं कितना खुश हुआ, और अब तेजेश्वर दत्त का नाम सुनकर मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। फिर क्या हुआ? उसने मुझे गेट आउट कहकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे नहीं लगता कि प्रीति मुझसे कभी बात करेगी। यार तेरे पाँव से खून तो नहीं निकल रहा है? क्या मतलब? नहीं, लोग अक्सर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ना, इसलिए पूछ रहा था। मैंने तो अपनी किस्मत पर दे मारी, पता नहीं क्या होगा। मुझे
मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव। लगता है प्रीति गई परमानेंट मेरे हाथ से। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। देखिए पाठक साहब, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल का मुझे मालूम नहीं, पर हाँ इन कागजातों के सहारे मैं आपको फ्रंटियर मेल में जरूर बिठा सकता हूँ। आप नाराज मत होइए, ये जुबान है जब दिमाग में खून जोर मारता है ना तो अपने आप चलने लगती है। उसे मुझे मेरे पैसे से मतलब है, छोटी सी कुछ माने नहीं लगती। बात छोटी या बड़ी रकम की नहीं, बात ये कोई धोखा देके पैसे ले जाए। कौन ले जा रहा पैसे? अरे भाई वो आपका दामाद ही है। हमारा कुछ नहीं, शादी हो चुकी है जनाब। मैं कोर्ट से ऑर्डर ले आऊंगा इस शादी के खिलाफ। कोर्ट के ऑर्डर से तेरे उल्टे नहीं लिए जाते, वो एक बार हो जाते तो हो जाते। जो कुछ भी हो चुका हो प्रिया अब उसकी शक्ल तक नहीं देखेगी। एक बार मेरी तरफ देखो प्रिया, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो प्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकती, मैंने तुम पर एक बार विश्वास किया, बस काफी है। इंसान बार बार धोखा नहीं कर सकता। धोखा तो मुझे दिया जा रहा है डायमंड, तुझे धोखा मुझे दिया जा रहा है, साजिश में मैं फंस रहा हूँ। रीमा के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो मेरे जैसे लाखों खरीद सकती है, लेकिन मैं उसकी दौलत के सामने नहीं झुक रहा हूँ प्रिया। क्यों नहीं झुक रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिलीव मी। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है प्रिया? मैं चाहूँ तो उसके साथ रहकर उसकी सारी दौलत का मालिक बन सकता हूँ और मुझे फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं नहीं मानने वाली, मैं अब तुम्हारी उन चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आने वाली। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। ओके प्रिया, हम एक काम करते हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम एक बार अपने मम्मी डैडी से कहो कि तुम मेरे साथ जा रही हो और उनकी दौलत में से तुम्हें एक पैसा नहीं चाहिए। प्रिया फिर देखना मैं तुम्हें कैसे रखता हूँ, अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा तुम्हें प्रिया। हाँ हाँ प्रिया, मुझे वक्त लग सकता है अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन मेरा प्यार तो कम से कम सच्चा साबित हो जाएगा ना। और कुछ वक्त क्यों, मैं तो सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज तुम यहां से जाओ। ठीक है प्रिया, मैं जाता हूं, लेकिन आज के बाद तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। प्रिया, इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली है और मैं इसे अपने सर पर रखकर चलाऊंगा। गोली पहली बार भी चल सकती है, दूसरी बार भी चल सकती है और पांचवी बार भी चल सकती है। गोली चलने से पहले अगर तुमने हाँ नहीं की प्रिया, तो फिर मेरे लिए जिंदगी क्या और मौत क्या। आज ही सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता हमें, कोई अलग नहीं कर सकता। हमेशा प्यार कीजिए भैया प्रिया, और इस प्यार को आज मैं किताबें नहीं जिंदगी लौटाने आया हूं दीपा। वो जिंदगी जो तुम मेरी वजह से पूरी तरह जी रही हो वो वापस करने आया हूं। उस दिन प्रीति ने जो कहा था वो सही था। मैं तो गोविंद को कोस रहा था कि वो कोई फैसला नहीं करता, जबकि मैं खुद प्लीज आप पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, आप लेकर चलिए।
बात में